रहेगा। आने वाले दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट दिया गया है वो डे वन से डे थ्री तक ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा और उसके बाद डे फोर और डे फाइव डे सिक्स डे सेवन में आइसोलेटेड प्लेसेस में लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। डे फोर की बात करेंगे जहां पे आइसोलेटेड प्लेसेस में लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है वो जिले हैं सूरत, नवसारी, वलसाड और सौराष्ट्र के हैं गिर सोमनाथ और कच्छ रीजन। और डे फाइव की बात करेंगे जहां पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है आइसोलेटेड प्लेसेस पे वो है छोटा उदयपुर, नर्मदा, दाहोद और साथ में कच्छ भी है। और डे सिक्स की बात करेंगे तो डे सिक्स में भी दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा और कच्छ में आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। और डे सेवन की बात करेंगे तो डे सेवन में भी लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया आइसोलेटेड प्लेसेस पे वो, और जो जिले हैं जहाँ पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है वो दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे आने वाले दिनों के लिए तो मैक्सिमम टेम्परेचर 24 आवर्स में नो लार्ज चेंज में रहेगा, उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का ग्रेजुअल फॉल है मैक्सिमम टेम्परेचर। और अहमदाबाद और गांधीनगर की बात करेंगे जहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ है तो अहमदाबाद का 40.8 डिग्री सेल्सियस रियलाइज हुआ और गांधीनगर का 40.5 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ। और अहमदाबाद और गांधीनगर के मैक्सिमम टेम्परेचर की फोरकास्ट की बात करेंगे तो दोनों जगह के लिए 40 डिग्री सेल्सियस का मैक्सिमम टेम्परेचर का फोरकास्ट दिया गया है। और ओवरऑल हम गुजरात स्टेट की बात करेंगे जहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर हाईएस्ट रियलाइज हुआ है वो है 42 डिग्री सेल्सियस राजकोट और दिसा। और विंड की बात करेंगे जो विंड लैंड रीजन पे प्रिवेल करेगी वो नॉर्थ वेस्टर्नली टू नॉर्दर्ली विंड प्रिवेल करेगी। और साथ में ही आज और कल के लिए डिसकंफर्ट कंडीशन बनी रहेगी सौराष्ट्र और कच्छ के कोस्टल एरियाज में। ओके।